जब आपको ऑडिशन के लिए बुलाया जाता है, एक तो ये बहुत ज़रूरी है कि सामने जो ऑडिशन ले रहा है वो सीरियसली ऑडिशन ले रहा है या टाइम पास कर रहा है कि वो ऑलरेडी तय किया हुआ है किसी स्टार को ले रहा है, तब तो डिसअपॉइंट मत होइए। पर आप अपना सीन जो भी दिया गया उसको तो पढ़ेंगे पढ़ेंगे, ये ज़रूर पूछिए कि क्या कहानी है, क्या सिचुएशन है, क्योंकि वो सीन जो आप करने जा रहे हैं उसका आगा पीछा क्या है ये आपको ज़रूर मालूम होना चाहिए। वरना आइसोलेशन में एक सीन ला के आप कैसे कर सकते हैं, आपको अपना पहले किरदार पता होना चाहिए। और कोशिश कीजिए कि आपको डायलॉग ज़्यादा, क्योंकि अगर आप, और ये सिर्फ मैं ऑडिशन के लिए नहीं बोल रहा हूँ, शूटिंग के दौरान हाँ कभी आप भूल सकते हैं, ये एक एडवांटेज है कि रीटेक हो सकता है, लेकिन अगर हम जिसे एक थिएटर की भाषा में कहते हैं गोते खा रहा है कि ढूंढ रहा है कि अरे नेक्स्ट वर्ड क्या है, अगर आप कॉन्स्टेंटली यही सोच रहे हैं कि मेरे ये लाइन मैंने बोली और अगली लाइन क्या है, तो आप जो डिटेलिंग है वो नहीं कर पाए। नुएंसेस का एक कोलाज होता है जो शायद हमेशा उसी वक्त सभी लोग नोटिस नहीं करेंगे। जब आप सिनेमा करते हैं तो क्राफ्ट तो है उसमें, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि क्राफ्ट दिखे नहीं, इट शुड मिंगल विद द होल थिंग। जो आपने कपड़े पहने हैं, क्यों बहुत सारे एक्टर्स शूटिंग से पहले अपने किरदार में जो वो कपड़े पहनता है वो पहनने लगते हैं ताकि यू गेट यूज टू इट। सो कब क्या चीज़ आप किस किरदार में इस्तेमाल कर सकते हैं, कब क्या सोच सकते हैं ना, वो इसलिए बार बार कहता हूँ यू हैव टू बी ऑन योर टोज ऑल द टाइम।